स्पेस में हो रही दिल दहलावाली घटनाएं, आप देख सकते हैं कि स्पेस में कुछ ना कुछ होता ही रहता है दोस्तों। और स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक होल भी है दोस्तों। और आप लोगों को पता नहीं है कि जहाँ पे हमारा स्टेशन है दोस्तों, जो कि सेटेलाइट स्टेशन है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रहती है। आपको पता नहीं है दोस्तों, आप तो आसानी से घर पे सो जाते हैं दोस्तों, लेकिन स्पेस में जो लोग रहते हैं उन लोगों को कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें तो लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। उनके तो खाने पीने के लिए से लेकर ऑक्सीजन तक सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और आप लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या हुआ है दोस्तों स्पेस में। अभी तो पिछले ही कुछ महीनों में सुनीता विलियम भी वहाँ पर फंस गई थी दोस्तों। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे एस्ट्रोनॉट भी रहते हैं दोस्तों। और हमारा मून का जो हमारा सपना है दोस्तों, वहाँ के पहुँचने का, वो उन्होंने सपना साकार कर दिखाया है दोस्तों। और जो वहाँ के जो मंगल ग्रह है दोस्तों, उसके बारे में तो भी उन्होंने कुछ खासी जानकारी इकट्ठा की है कि वहाँ पे हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते, वहाँ की ज़मीन कैसी है। वहाँ पे भी जाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से तपास किया था दोस्तों। और एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि वो ग्रह लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्पेस में जो भी लोग रहते हैं उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस हमारी धरती से इतना दूर की हुई दोस्तों, और हमें इस बाहर तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है, यही बात को सोचते रहते हैं दोस्तों कुछ लोग। और कब पहुंचेंगे हम वहाँ से, ऐसी बातें खूब रहती है दोस्तों, और ये रहस्यमय भी होती है। इसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हम आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ टिप्स देंगे दोस्तों, जो कि आप लोगों को शायद समझ में आ सके कि पृथ्वी अर्थ के बाहर क्या है दोस्तों। और जो ब्रह्मांड है दोस्तों, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो भी हमारे आसपास का हिस्सा है दोस्तों। और इसी तरह की नॉलेज आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्मांड के बाहर जा सके तो क्या क्या करेंगे आप। और क्या आप भी की कोई इच्छा है दोस्तों कि आप भी ब्रह्मांड के बाहर जा सके, क्योंकि यहाँ पे आप पृथ्वी पे रहते तो बोर हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, आपने पृथ्वी में तो सब कुछ घूम लिया होगा जैसे, लेकिन ब्रह्मांड में घूमने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को घूमनी चाहिए दोस्तों। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रह भी है दोस्तों, और वहाँ पे जो ग्रह है उल्टा पिन है, उनके बारे में सिर्फ हमने पढ़ा लिखा है दोस्तों, लेकिन उसके बारे में कभी भी सोचा नहीं। लेकिन उल्टा पिन के बारे में भी हमें जानकारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और अपने परिवार को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसके बारे में उनको भी पता होना चाहिए, हमारे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए दोस्तों। और इसी